गुड आफ्टरनून स्टूडेंट्स। तो बेटा आज की क्लास के अंदर हम वेक्टर के कंपोनेंट कैसे करते हैं वो देखने वाले हैं, ठीक है। ये टॉपिक मैं इसलिए दोबारा से कवर कर रहा हूँ क्योंकि आप अगर देखेंगे बाद में हम जैसे न्यू चैप्टर पढ़ने वाले हैं, न्यूटन्स लॉ पढ़ने वाले हैं या उसके बाद भी वर्क पावर एनर्जी होना पढ़ने वाले हैं, तो वेक्टर का आपका यूटिलाइजेशन हर जगह होता है। हर एक चैप्टर में आप देखेंगे कि वेक्टर का कहीं ना कहीं आपका यूज हो रहा है, ठीक है। और जो सबसे इंपॉर्टेंट एप्लीकेशन होती है वेक्टर की वो होती है क्या, इसके कंपोनेंट आपको बनाने आने चाहिए। अगर आप कंपोनेंट बना पा रहे हैं तो यूँ आप ऐसा जूम कर लीजिए कि आपको 80-90% काम कर सकते हैं वेक्टर के ऊपर, ठीक है। कोई भी प्रॉब्लम अगर आपको दी गई है तो एटलीस्ट आप उस प्रॉब्लम को हैंडल कर सकते हैं, ठीक है। तो दैट इज व्हाई आई एम जस्ट टीचिंग दिस टॉपिक अगेन, क्योंकि कुछ बच्चों को अभी भी शायद डाउट है इस टॉपिक में, कंपोनेंट में, कि किसी भी वेक्टर के कंपोनेंट हम कैसे बना सकते हैं। और ये सबसे इंपॉर्टेंट टॉपिक है, अगर मैं बात करूं पूरे वेक्टर चैप्टर में सबसे इंपॉर्टेंट टॉपिक है। क्यों इंपॉर्टेंट है, क्योंकि आप देखेंगे कि सब जगह मोस्ट ऑफ द मोस्ट प्रोबेबली आपको कंपोनेंट बनाने ही यूज आपको किसी भी वेक्टर के कंपोनेंट कैसे बनाने हैं वही यूज में आता है आपका प्रैक्टिकली देखा जाए तो, ठीक है। तो इसलिए मैं आपको बता रहा हूँ। तो हेडिंग डाल लेते हैं आपके क्या, कंपोनेंट ऑफ ए वेक्टर, कंपोनेंट ऑफ ए वेक्टर। तो मैं आपको एक प्रैक्टिकल एग्जांपल से ही समझाऊंगा। जैसे कि सपोज कर लीजिए कि हमारा किसी ऑब्जेक्ट के ऊपर या किसी भी ब्लॉक के ऊपर कोई 10 न्यूटन फोर्स लग रहा है या कोई एफ न्यूटन, जनरल केस लेके चलते हैं, एफ न्यूटन फोर्स लग रहा है, ओके। और ये एफ न्यूटन फोर्स इस एक्सिस से थीटा एंगल पे बन लग रहा है हमारा, ठीक है। तो आपको बताना है कि मैं इस कंपोनेंट को अगर इस फोर्स को रिजोल्व करूं तो आपका हॉरिजेंटल डायरेक्शन में क्या कंपोनेंट आएगा और वर्टिकल डायरेक्शन में आपका क्या कंपोनेंट आएगा, ठीक है। तो एक बार थोड़ा सा साइंटिफिक वे से इसको समझ लेते हैं, फिर मैं आपको शॉर्ट ट्रिक बताऊंगा क्या करना है आपको। तो आपका जो फोर्स लग रहा है किस डायरेक्शन में, थीटा एंगल पे लग रहा है, तो किस एक्सिस से लग रहा है, हॉरिजॉन्टल एक्सिस लग रहा है, दैट मींस एक्स एक्सिस से लग रहा है आपका, ओके। तो आपको पता है हम वेक्टर को कहीं पे भी लेके जा सकते हैं स्पेस में अगर एंगल थीटा के ऊपर, तो कोई भी इसके ऊपर अफेक्ट नहीं पड़ता। तो मैं क्या कर रहा हूं, इस फोर्स एफ को मैं यहां पे ड्रॉ कर रहा हूं और ये किस एंगल के ऊपर लग रहा है आपका, थीटा डिग्री एंगल के ऊपर लग रहा है, ओके। अभी मेरे को क्या करना है, इस फोर्स के कंपोनेंट बनाने हैं किस डायरेक्शन में, कि एक्स डायरेक्शन में क्या कंपोनेंट होगा, वाई डायरेक्शन के अंदर आपका क्या कंपोनेंट होगा। तो मैं क्या किया, यहां से एक वर्टिकल लाइन मैंने ड्रॉ की, यहां से मैंने एक वर्टिकल लाइन ड्रॉ की इस डायरेक्शन में। अब देखिए आप, इस पॉइंट को मैंने ओ लिख दिया, इस पॉइंट को मैंने ए लिख दिया, इस पॉइंट को मैंने बी लिख दिया, ओके। तो इस पॉइंट को मैंने ओ लिख दिया, इस पॉइंट को मैंने ए लिख दिया, इस पॉइंट को मैंने बी लिख दिया। अभी मैं क्या करने वाला हूं, यहां से इस तरह से मैंने ये वेक्टर बना दिया, ओ बी वेक्टर हो गया आपका। इस तरह से ऊपर की डायरेक्शन में मैंने एक और वेक्टर खींच दिया, बी ए वेक्टर, ठीक है। तो अभी आपको पता है कि ये दोनों वेक्टर जो ओ बी वेक्टर है और ए बी वेक्टर है, बी ए वेक्टर है, सॉरी ओ बी वेक्टर और बी ए वेक्टर, अगर मैं इनको जोड़ू तो आपको क्या मिलेगा, आपको यही वेक्टर मिलेगा, दैट इज फोर्स वेक्टर। फर्स्ट वेक्टर के टेल से स्टार्ट होगा, एंड होगा हेड ऑफ द सेकंड वेक्टर, ठीक है। तो दैट मींस कहां पे आपका स्टार्ट होगा, फर्स्ट वेक्टर के स्टार्टिंग पॉइंट से और एंड होगा सेकंड वेक्टर के एंडिंग पॉइंट पे। तो आपको फोर्स वेक्टर आपको क्या लिख रहा है, फोर्स वेक्टर कैसे लिख सकते हैं आप, इसको आप लिख सकते हैं ओबी वेक्टर प्लस एबी वेक्टर। तो बेटा ये जो ओबी वेक्टर जो आपका आया है ये क्या है, कंपोनेंट अलोंग द एक्स एक्सिस है, और ये क्या है, इसी को हम बोल देते हैं कंपोनेंट अलोंग द ए बी वेक्टर जो है, इसी को हम क्या बोलते हैं, कंपोनेंट अलोंग द वाई एक्सिस। इसका मतलब कोई भी जैसे फोर्स है इसको मैं दो पार्ट्स के अंदर डिवाइड कर सकता हूं, एक तो हमारा एक्स एक्सिस कह लूं, एक वाई एक्सिस कह लूं, ठीक है। अगर मैं बात करूं इसकी लेंथ क्या होगी, ये लेंथ कितनी होगी, तो आपको ये वाली लेंथ आपको क्या दी हुई है, मैग्नीट्यूड मतलब लेंथ ही होती है आपकी, तो ये आपको एफ दी हुई है ये लेंथ। तो आपको पता है ये बेस है, ये मेरे क्या है, हाइपोटेन्यूज है, तो बेस बटे हाइपोटेन्यूज क्या होता है आपका, कोस थीटा। तो ये वाली जो टर्म आएगी ये क्या आएगी आपकी, एफ कोस थीटा आएगी, और ये वाली टर्म क्या होगी, परपेंडिकुलर बाय हाइपोटेन्यूज साइन थीटा होता है, तो ये आपकी आ जाएगी क्या, एफ साइन थीटा, ठीक है। तो इस फोर्स वेक्टर को मैं कैसे भी और लिख सकता हूं, और मैं तोड़ना चाहूं तो ये हो जाएगा क्या, एफ कोस थीटा अलोंग द एक्स एक्सिस। तो आपका जो यूनिट वेक्टर क्या होता है आपका, अलोंग द एक्स एक्सिस
आई कैप होता है। तो इसको मैं ऐसे लिख सकता हूँ एफ कॉस थीटा आई कैप, और वाई डायरेक्शन क्या आ जाएगा आपका एफ साइन थीटा जे कैप। ठीक है, तो ये तो हुआ एक साइंटिफिक वे इसको समझने का। हमको ऐसे भी नहीं करना है, हमको क्या करना है डायरेक्टली वो आपको सोच, मैं एक छोटी ट्रिक बताऊंगा आपको कैसे कंपोनेंट निकालना है। तो सपोज कर लीजिए कि ये फोर्स है, ये फोर्स है, तो आपको क्या करना है दो परपेंडिकुलर एक्सिस खींचनी है इसके बीच में। एक तो ये होगी अलोंग, एक तो एक्स एक्सिस के अलोंग और एक वाई एक्सिस के अलोंग, एक तो एक्स एक्सिस के अलोंग हो जाएगी, एक वाई एक्सिस के अलोंग। ठीक है, तो इसके कंपोनेंट एक तो एक्स एक्सिस की तरफ आएगा, एक वाई एक्सिस की तरफ आएगा, ये आपको दिमाग में रखना है। ओके, तो अभी क्या करना है हमको कि जैसे ये मेरा फोर्स आया, अभी मैंने देखा कि ये फोर्स किस किस एक्सिस के बीच में आ रहा है, तो आप बोलेंगे तो ये इस एक्सिस के बीच में आ रहा है और ये इस वाली एक्सिस के बीच में आ रहा है। इसका मतलब जो इसके कंपोनेंट होंगे वो किस एक्सिस के बीच में होंगे, एक तो इस एक्सिस के अलोंग होगा, ये इस एक्सिस के अलोंग होगा। ओके, सपोज कर लीजिए कि इस एक्सिस से ये एंगल थीटा बना रहा है, तो जिस भी एक्सिस से ये एंगल थीटा बनाता है उसके साथ हमेशा कॉस टर्म आती है और उसके परपेंडिकुलर साइड जो आ गई वो क्या आएगी आपकी साइन टर्म आती है। तो इस एक्सिस के अलावा अगर मेरे को कंपोनेंट लिखना है तो आपका क्या आएगा कॉस टर्म आएगी एफ कॉस थीटा, और इस एक्सिस के अलावा क्या आएगा आपका आएगा साइन थीटा, साइन टर्म एफ साइन थीटा। ओके, और बेटा याद रखना है आपको कि ये जैसे मेरा फोर्स है ये क्या जा रहा है यहाँ पॉइंट, इस पॉइंट ओ से दूर जा रहा है, तो आपके कंपोनेंट भी किस तरफ जाएंगे, इसकी जो चोट रहेगी इससे अवे रहेगी, दूरी रहेगी, तो ये भी अवे जा रहा है और ये भी अवे जा रहा है। अगर इसकी चोट होती इसकी तरफ ही पॉइंट ओ की तरफ भी, तो जो कंपोनेंट की भी जो चोट होगी, जो ये आपका जो एरो रहेगी ये किसकी तरफ रहेगी, इस पॉइंट ओ की तरफ ही रहेगी। ओके, एक और जैसे प्रॉब्लम करता हूं, जैसे आपको सपोज कर लीजिए फोर्स इस डायरेक्शन दे रखा है और ये कुछ इस तरह से दे रहा है, दिया हुआ है। ओके, और इस एक्सिस से क्या बना रहा है, थीटा एंगल बना रहा है। तो सबसे पहली बात तो आपको क्या देखना है कि ये जो मेरा फोर्स है किन दो एक्सिस के बीच में है, तो आपको दिख गया होगा ये एक तो ये वाली एक्सिस हॉरिजॉन्टल एक्सिस और एक ये जो वर्टिकल वाली एक्सिस, इस इन दोनों एक्सिस के बीच में ये फोर्स है। तो इसका मतलब इसके कंपोनेंट भी इन दोनों एक्सिस के अलोंग ही आपके आने वाले हैं। ओके, तो जिस एक्सिस के साथ थीटा टर्म बना रहे हो उसके साथ क्या आएगी आपकी कॉस टर्म आएगी, तो इस एक्सिस की अलोंग क्या आएगी आपकी कॉस टर्म आएगी। तो ये मैंने लिख दिया एफ कॉस थीटा, और उसके परपेंडिकुलर जो भी एक्सिस होगी वो क्या होगी साइन टर्म एफ साइन थीटा। अब इसकी चोंच किस तरफ है, आप देख रहे हैं जो फोर्स की जो चोंच है ये टुवर्ड द पॉइंट ओ है, तो इसकी जो कंपोनेंट बनेगी उसकी चोंच भी पॉइंट ओ की तरफ होगी, तो ये बनेगी इसके कंपोनेंट। ये हो गया क्या एफ कॉस थीटा, और ये क्या हो गया आपका एफ साइन थीटा। ओके, अभी और वैल्यू में जैसे मैं सब्स्टिट्यूट करके बता रहा हूं आपको, सपोज कर लीजिए कि हमारा जो ये कार्टेशियन सिस्टम है, और सपोज कर लीजिए आप कि ये फोर्स लग रहा है एफ यहां पे, और इस एक्सिस से इस बार ये एंगल थीटा बना रहा है आपका, तो सबसे पहले तो आपके कंपोनेंट किस तरफ होंगे, एक तो इस एक्सिस के अलोंग होगा ये कंपोनेंट और ए इस एक्सिस, क्योंकि ये तो फोर्स है इस एक्सिस और इस एक्सिस के बीच में पड़ रहा है, तो कंपोनेंट इसी के अलोंग होने वाले हैं। दूसरी चीज आपको क्या देखनी है, किस एक्सिस के अलोंग ये एंगल थीटा बना रहा है, तो ये ऊपर वाले एक्सिस के अलोंग क्या बना रहा है एंगल थीटा बना रहा है, तो इस एक्सिस पे क्या आएगा आपका कॉस टर्म आएगी, तो एफ कॉस थीटा, और इस एक्सिस के अलोंग परपेंडिकुलर एक्सिस के अलोंग आपकी आ जाएगी क्या साइन टर्म एफ साइन थीटा। इसकी चोंच जैसे इस साइड तरफ जा रही है आगे जा रहा है फोर्स, तो इसके कंपोनेंट भी इस पॉइंट ओ से आगे जाएंगे आपके, तो ये हो जाएंगे इसके कंपोनेंट। ठीक है, तो बेटा आपको कोई भी आप प्रॉब्लम दे सकता है, तो आपको एटलीस्ट ये पता होना चाहिए किसी भी फोर्स के हम कंपोनेंट कैसे बना सकते हैं। ओके, सो आई होप दिस कॉन्सेप्ट इज क्लियर टू यू। इसके बाद हम कुछ प्रॉब्लम्स देखेंगे, क्योंकि वेक्टर की प्रॉब्लम आपकी पूरी कंप्लीट हो चुकी है लगभग जितनी भी थी, उसके बाद हम कुछ प्रॉब्लम्स देखने वाले हैं आपकी एरर मेजरमेंट में से। ठीक है, क्योंकि उस टॉपिक से हमने कुछ प्रॉब्लम्स नहीं की थी आपकी रिविजन में। ओके, थैंक यू।